you awesomely blossomly people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to talk about staff travel / discounted tickets. Some people say free tickets. So yes, I'm going to explain you about it, like how does it work and kaun is facility ka istemal kar sakta hai, uske baare mein bhi main aapko bataungi. So yes, if you're interested and if you want to know, keep on watching. स्टाफ ट्रैवल होता है बेसिकली दीज आर द डिस्काउंटेड टिकट्स विच दिस इज अ फैसिलिटी विच इज गिवन अ पर्क विच इज गिवन बाय द एयरलाइन टू द एयरलाइन स्टाफ. सो नाउ ये जो फैसिलिटी होती है इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर कैबिन क्रू. चाहे आप कैबिन क्रू हो, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे आप पायलट हो, कोई भी हो, जो भी एम्प्लॉय होता है एक एयरलाइन का, उन्हें ये फैसिलिटीज दी जाती है, राइट. सो नाउ व्हेन आई से स्टाफ ट्रैवल, सो लाइक आई सेड दैट इट्स डिस्काउंटेड टिकट. ओके, बहुत लोगों को लगता है इट्स फॉर फ्री. सो जी नहीं, ये फ्री नहीं है, इट इज़ डिस्काउंटेड. यू पे सर्टेन अमाउंट, ऑफकोर्स जितना एक्चुअल प्राइस होता है एक टिकट का, फ्लाइट टिकट का, आप उतना नहीं पे करते हो, बट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट. ओके, सो नाउ व्हेन आई जॉइन माय एयरलाइन, सो दैट टाइम दे हैड दिस थिंग लाइक यू नो, 6 टिकट्स आपको मिलेंगी 100% डिस्काउंट पे. देन 100% डिस्काउंट मीन कि यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट. लाइक एयरलाइन के जो कॉस्ट होते हैं, अगर आप कभी भी कोई टिकट देखते हो, फ्यूल का, सीट का, यू नो, फलाना फलाना, टैक्स वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, राइट. सो सेम वेज जब आप एक स्टाफ हो, तो व्हेन आई से कि दिस स्टाफ ट्रैवल, ठीक है, जो टिकट होती है बेसिकली एयरलाइन आपको चार्ज नहीं करेगा उस टिकट के लिए, बट देन यू हैव टू पे द टैक्स विच इज द एयरपोर्ट टैक्स. ओके, दैट यू हैव टू पे. सो नाउ दिस एयरपोर्ट टैक्स एक एयरलाइन को पे करना पड़ता है एयरपोर्ट को, बिकॉज यू नो देयर आर वॉशरूम एट द एयरपोर्ट. ठीक है, फूड जॉइंट हो गया आपका, देन आपका जो बैगेज बेल्ट होती है वो हो गया, देन आपका चेक इन काउंटर्स हो गए, आपका बोर्डिंग एरिया हो गया, आपका वेटिंग एरिया हो गया, आपका स्मोकिंग एरिया हो गया, देन यू हैव द एरो ब्रिज. तो ये सब चीज़ें इट इज़ नॉट ओन बाय एनी एयरलाइन, ये एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो इनका मेंटेनेंस भी करना होता है, उसके लिए यू नीड मनी बिकॉज यू हैव टू पे द सैलरी टू द एम्प्लॉयज हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट. सो नाउ इस तरीके से एयरपोर्ट टैक्स आप एक एयरलाइन पे करती है, तो जितना भी खर्चा वगैरह है, जितना भी प्रॉफिट वगैरह है, उस तरीके से दे कैन फिगर इट आउट. ओके, सो दैट्स व्हाई यू पे द एयरपोर्ट टैक्स. तो जब भी, तो ये कभी भी नहीं होता है कि यू नो यू आर गेटिंग अ टिकट फॉर फ्री, इट्स नेवर लाइक दैट. यू आर पेइंग सर्टेन अमाउंट, ऑफकोर्स आप उतना नहीं पे करते जितना उसका एक्चुअल प्राइस होता है टिकट का, बट सर्टेन अमाउंट यू हैव टू पे. ओके, नाउ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक व्हेन आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू त्रिवेंद्रम वन वे, सो आई पेड 1500 रुपीज. ओके, so that was a tax which I paid. okay, now I don't know what is the actual price of the decision. I believe 15,000 to hoga aram se, 15,000, 12,000 itna to ho gaya aram se. theek hai, agar main baat karu to, agar main compare karu to train ka ticket shayad itse mehanga hota, but yeah, that's how it is. now when I joined my airline, to hamare yahan ye cheez thi ki we got 18 STA, the staff travel. okay, so 18, so when I say 18 STA, which means ki main एक साल में मैं 18 STA का इस्तेमाल कर सकती हूँ. 18 बार ये जो फैसिलिटी है इस पर्क का, मैं 18 बार इस्तेमाल कर सकती हूँ. सो नाउ लेट्स से जो फर्स्ट 6 थे उसमें 100% डिस्काउंट है, मतलब मुझे एयरपोर्ट टैक्स ही पे करना है, मुझे एयरलाइन विल नॉट चार्ज अ पेनी. ओके, सो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू देम, सो दैट इज, इट इज 100% फ्री फॉर मी, बट आई एम स्टिल पेइंग द एयरपोर्ट टैक्स. ये हो गया इनिशियल 6 STAs. ओके, तो उसके बाद बाकी के जो 6 STA हैं उनकी मैं बात करूं तो तब 90% डिस्काउंट. सो जो 90% डिस्काउंट है, इट मींस कि 10% तो मुझे फिर भी पे करना पड़ेगा एयरलाइन को, एंड जो बाकी का है एयरपोर्ट टैक्स वो भी पे करना पड़ेगा, तो वो इंक्लूड होके आएगा. तो जो टिकट मुझे 100% डिस्काउंट में 1500 की पड़ी है, तो शायद अब मुझे 3000 या 3500 समथिंग लाइक दैट आई हैव टू पे. ओके, नाउ बाकी के जो लास्ट 6 STA बचे हैं, then that would be 75% discount. Now when I say 75% discount, so 25% still I have to pay to the airline. जो actual price होगा ticket का, उसका जो 25% है, वो मुझे pay करना है airline को, plus the airport tax. Understood? So now that is how it used to work. And now इस पे एक limit भी था कि आप 18 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, आप 18 बार से ज़्यादा STA का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. So there was a limit, and then of course जो percentage था वो भी vary कर रहा था. ना उसके बाद आफ्टर सम टाइम दे चेंज द रूल एंड दे मेड इट 100%, लाइक 100% डिस्काउंट मिलेगा. सो देयर इज नो क्लॉज लाइक कि इनिशियल 6 में इतना मिलेगा, फिर देन उसके बाद
बाकी के सिक्स में इतना बनेगा एंड बाकी के सिक्स एसटीए में इतना डिस्काउंट मिलेगा. दे मेड इट स्टैंडर्ड दैट ओके 100% डिस्काउंट मिलेगा सारे एसटीए में. दे ऑल्सो मेड इट अनलिमिटेड. अनलिमिटेड मीन्स कि आप मैं कितनी बार भी ट्रैवल कर सकती हूँ, देर इज नो लिमिट टू दैट. पहले था कि 18 बार ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, नाउ दे मेड इट कि ओके इट इज अनलिमिटेड. हाउ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट टू ट्रैवल इट यू हैव टू पे, इट विल बी 100% फ्री, विच मीन्स यू जस्ट हैव टू पे द एयरपोर्ट एयरपोर्ट टैक्स एंड बाकी इट इज अनलिमिटेड फॉर यू, सो यू कैन ट्रैवल एन नंबर ऑफ टाइम्स. सो दैट्स हाउ इट यूज टू वर्क फॉर अस. ओके, सम एयरलाइंस लाइक अदर एयरलाइंस वहाँ पे पहले से यही चीज़ था कि यू नो 100% डिस्काउंट मिलेगा एंड आप जितनी बार भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो साल में आप कर सकते हो. ठीक है, एंड सब अब बाकी एयरलाइंस का भी वेरी करता है कि उनके जो रूल्स हैं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, बट ये जो फैसिलिटी है हर एयरलाइन में हर एयरलाइन स्टाफ को मिलती है. ना दूसरी चीज आती है कि कौन कौन ये फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है कि वो ये जो डिस्काउंटेड टिकट को इस फैसिलिटी को अवेल कर सके. सो नाउ लेट्स से इफ आई एम एन एयरलाइन स्टाफ, लाइक आई वॉज एन एयरलाइन स्टाफ, सो मेरे केस में अब मैं मेरी एयरलाइन की बात करूँ तो हमारी एयरलाइन में रूल था आप अपने पेरेंट्स के लिए एसटीए इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ वंस यू गेट मैरिड तो ऑफकोर्स फॉर योर हस्बैंड एंड देन इफ यू हैव किड्स तो देन फॉर योर किड्स. ओके, सो आप इन सब के लिए ये एसटीए का इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, सो नाउ आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो आई वाज लाइक दिस इज परफेक्ट, मतलब ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट पीपल हु हैव सिबलिंग्स, जिनके भाई बहन होते हैं, सो नाउ फॉर देम इट वाज अ लिटिल लाइक दे वर ऑलवेज लाइक कि हमारे सिबलिंग्स भी है तो उनके लिए भी ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, बट दैट वॉज नॉट द केस इन आर एयरलाइन, दैट वॉज इन द रूल. सो इट वॉज ओनली, दिस फैसिलिटी वॉज ओनली फॉर माई पेरेंट्स एंड देन माई हस्बैंड एंड अगर मेरे बच्चे होते तो मेरे बच्चों के लिए. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट यूज टू वर्क इन आर एयरलाइन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिगो, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड इन इंडिगो, सो इफ आई ऑलवेज इफ आई वॉन्ट टू चेक कि अच्छा और एयरलाइन में कैसा क्या चल रहा है, सो आई ऑलवेज कॉल हर. सो ना उनकी एयरलाइन में ये है कि दे के नॉमिनेट 5 पीपल फॉर द एसटीए. सो उसमें उनके कोई भी ब्लड रिलेशन के आ सकते हैं, सो उनके पेरेंट्स तो आ ही सकते हैं, साथ में उनके सिबलिंग्स भी आ सकते हैं, साथ में उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकते हैं, और अगर उनकी शादी हो गई है तो उनके पार्टनर्स भी आ सकते हैं, उनके बच्चे भी आ सकते हैं एंड उनके इन लॉज को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं. सो दैट इज अ रूल इन देयर एयरलाइंस. राइट, नाउ अगेन इफ आई टॉक अबाउट एमिरेट्स एंड कतार, सो नाउ दे हैव अ डिफरेंट रूल, दे कैन, यू कैन नॉमिनेट योर पेरेंट्स, यू कैन नॉमिनेट योर सिबलिंग्स, सो दे कैन अवेल दीज फैसिलिटीज. राइट, नाउ इसमें एक कंडीशन है, जब आपको इतने कम दामों में कोई फ्लाइट की टिकट मिल रही है तो इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है. सो नाउ कंडीशन ये है कि आपको सीट तभी मिलेगी अगर सीट अवेलेबल है फ्लाइट पे. वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपने अगर टिकट बुक किया तो आपकी टिकट बुक है तो आप जाओगे, यू शो योर टिकट, यू गेट अ बोर्डिंग पास एंड यू सिट इन द एयरक्राफ्ट एंड यू फ्लाई. इन आवर केस इट इज नॉट लाइक दैट. आपने एसटीए फैसिलिटी जब आपने अवेल करा है, आपने पैसे पे कर दिए हैं उसके लिए, नाउ यू विल गो, यू विल वेट, यू विल चेक कि लोड क्या है एयरक्राफ्ट का. लेट्स से कि आपके एयरक्राफ्ट की सिटिंग कैपेसिटी इज 156. ओके, अगर लेट्स से आप एयरपोर्ट पहुंचते हो और सारी सीटें फुल हैं, एक भी सीट खाली नहीं है, तो वो आपको कहेंगे आप घर चले जाइए, या तो उस डेस्टिनेशन के लिए नेक्स्ट फ्लाइट है हम उसमें चेक करेंगे, अगर उसमें सीट होती है तो हम आपको उसमें सीट देके आपको भेज देंगे. सो इट इज नॉट कंफर्म कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, बट हमेशा ऐसा नहीं हुआ है मुझे सीट्स मिली है, और कभी अगर मान लो मैं ऑफलोड हो भी गई हूँ तो नेक्स्ट फ्लाइट में मुझे अकोमोडेट कर देते. सो ऐसी चीजें भी होती हैं, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार डिस्काउंटेड टिकट मिलती कितना अच्छा है, बट शॉर्ट ही नहीं है ना, आप सोचो तैयार हो गया, आप एयरपोर्ट पहुंच गए हो सामान वामान लेके पूरे फैमिली के साथ एंड देन दे से सॉरी वी डोंट हैव सीट्स, गो बैक होम, ट्राई इट अगेन नेक्स्ट डे, यू नो हाउ वुड यू फील. आई रिमेंबर माई वन ऑफ माई कोलीग, शी वॉज सीनियर क्रू, सो शी वॉज ट्रैवलिंग विद हर मॉम डैड हस्बैंड एंड सन एंड शी वॉज, दे वर 5 ऑफ देम, ठीक है, एंड दे वर गोइंग टू पुणे. उन लकीली हमारे पास पुणे की बहुत सारे डिपार्चर्स होते थे दिन में दिल्ली से, सो दैट वाज इन अ प्रॉब्लम. सो नाउ जो ग्राउंड स्टाफ से डिस्कस करी थी, शी वाज लाइक कि ओके दो सीट्स मैं अभी दे सकती हूँ, तो आप दो सीट्स अपने पेरेंट्स को भेज दो, फिर दो बाकी हम फ्लाइट में देखेंगे, आगे के फ्लाइट में वी विल ट्राई टू अकोमोडेट यू, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट लाइक प्रॉमिसिंग ये होगा, बट वी विल ट्राई. सो नाउ बेचारा शी सेंड हर पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद आई थिंक फिर उसके बाद उन्होंने एक सीट खाली थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा एंड देन नेक्स्ट फ्लाइट में शी एंड हर सन दे वेंट. सो या शी वाज सो टेंस, शी वाज लाइक मैं कभी नहीं आऊंगी अपने फैमिली को ऐसे लेके, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा, मैं बस
वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम टेलिंग यू कि कभी ऐसा हो गया, सो यू आर, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि ऐसी चीजें भी होती हैं. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है तो ऐसा नहीं है. ओके एंड यू नो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन कब होता था, जब मेरे पेरेंट्स ट्रैवल करते थे. लाइक बहुत बार ऐसा होता था कि माई फादर इज ट्रैवलिंग अलोन और माई मदर इज ट्रैवलिंग अलोन एंड आई एम द एम्प्लॉय, तो मैं तो कोना कोना चप्पा चप्पा जानती हूँ ना एयरपोर्ट का. बट देन फॉर देम इवन इफ दे ट्रैवल, दे हैव ट्रैवल कपल ऑफ टाइम्स, बट स्टिल इट इज अ डिफरेंट स्पेस, इट्स न्यू स्पेस फॉर देम, यू नो एवरी एयरपोर्ट इज डिफरेंट. सो मुझे टेंशन बस ये होती थी, मैं ग्राउंड स्टाफ को बोलती थी कि प्लीज प्लीज प्लीज, एंड यू नो वॉट, बहुत स्वीट होते हैं ग्राउंड स्टाफ भी, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट. क्योंकि यू नो वो एक होता है ना, एक एम्पथी होती है कि वॉट इफ माई पेरेंट्स आर देयर, वो ऑफलोड हो जाए तो वो कैसे मैनेज करेंगे. सो दे हैव दिस, सो लकीली वो मिल जाती थी सीट, वो समहाउ दे यूज टू अरेंज. नाउ अनदर थिंग इज कि जो कब तक आपको वेट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जाते हैं यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट. सो जहाँ जनरली जो पैसेंजर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ओके वन एंड हाफ आवर्स पहले आ जाओ. फॉर अस इट इज लाइक यू नो, अगर सीट होती है तो हमें इमीजिएटली दे देते हैं कि हाँ लोड कम है, आप लो, कि आप ले लो सीट एंड यू गो एंड यू प्रोसीड टू द गेट. पर लेट्स से अगर फ्लाइट फुल है या ऑलमोस्ट चॉको ब्लॉक है, सो नाउ दे वेट फॉर द नो शो. नो शो मीन्स कि जो लेट्स से मैंने टिकट बुक कर दिया बट फॉर सम रीजन, फॉर सम इमरजेंसी एक्सीजेंसी आई कॉन्ट ट्रैवल, ओके सो मैं नहीं आता हूँ, सो दैट बिकम्स अ नो शो. सो वो सीट फिर मुझे मिल जाती है. सो आई वेट, सो कब तक मैं वेट करती हूँ, डी माइनस 45. सो नाउ दैट मीन्स कि डिपार्चर के 45 मिनट्स पहले आपके काउंटर्स बंद हो जाएंगे. उसके बाद कोई और पैसेंजर्स को दे विल नॉट एंटरटेन एंड देन दे विल चेक इफ देयर इज सीट, दे विल गिव यू द बोर्डिंग पास एंड देन यू गो रनिंग, फटाफट अपना सिक्योरिटी चेक करते हो एंड देन फाइनली यू रीच सीट पे बैठते हो और एक चैन की लंबी सांस लेते हो. ओके अनदर थिंग इज देयर यू नो जंप सीट, कैबिन क्रू की जो सीट्स होती है इट्स नॉट लाइक सेम लाइक पैसेंजर सीट. जो कैबिन क्रू की सीट्स हैं उन्हें हम जंप सीट बोलते हैं. सो नाउ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, लेट्स से अगर फ्लाइट फुल है, ठीक है, और कोई और आपके पास जगह नहीं है बैठने के लिए, तो आपको ऑफलोड नहीं करेंगे. एक और सोल्यूशन है उसका, विच इज जंप सीट. ओके लेट्स से आपके एयरक्राफ्ट में 6 जंप सीट्स है बट 5 ही क्रू ट्रैवल कर रहा है, 5 ही क्रू ऑपरेट कर रहा है, तो एक जंप सीट खाली हो गई, विच मीन्स एक सीट खाली हो गई. सो नाउ मैं खुद एक कैबिन क्रू हूँ, सो मैं वो सीट ऑक्यूपाई कर सकती हूँ. बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि आई हैव टू गेट द डिटेल्स कि कौन सा पायलट है, कौन फ्लाई कर रहा है वो एयरक्राफ्ट को. आई हैव टू चेक विद द पायलट, आई हैव टू टेक हिज परमिशन दैट पायलट आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन दिस सेक्टर, सो इफ इट इज ओके कैन आई ऑक्यूपाई द सीट. ओके ग्राउंड स्टाफ आपको वो सीट, अगेन यू गेट द बोर्डिंग पास, प्रॉपर बोर्डिंग पास, उस पर कोई सीट नहीं लिखा होता है, सो विच मीन्स दैट्स अ जंप सीट. ओके नाउ योर पेरेंट्स कैन ऑल्सो अवेल इट, योर हस्बैंड कैन ऑल्सो अवेल इट, योर सिबलिंग्स कैन ऑल्सो अवेल इट. ओके बट चिल्ड्रन के नॉट, बिकॉज बच्चे मन के सच्चे एंड 15 साल से छोटे लोग और जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो जंप सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी. अगर कल को कुछ हो जाए, क्रैश लैंडिंग कुछ हो जाए, सो यू हैव टू ऑपरेट द गेट एंड यू नो बच्चे एंड विद द ओल्ड एज पैसेंजर, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू यू नो मैनेज ऑल ऑफ दैट. सो यू नीड यू नो, सो बेसिकली यू शुड बी फिजिकली फिट, ओके, टू सिट ऑन टू ऑक्यूपाई द जंप सीट. So that is what it is all about. जब भी आप स्टाफ ट्रैवल पे हो, you cannot wear your uniform. You have to wear a normal, like a passenger, you have to travel because you are traveling, right? आप किसी काम के लिए नहीं जा रहे हो, so you will not wear your uniform. Also, you will not wear the eye card, the lanyard, you know, eye card, because then you have to behave yourself. So do you want to enjoy your vacation? Do you want to behave? Because everybody will be like, oh, इसके पास eye card है, इतनी सी airline staff है, means ये इतने जोर से कैसे हंस रहा है? So you know, if you don't want all of that judgment, so yeah, please make sure you don't wear your eye card. So that is that. Another thing, मेरे साथ तो बहुत होता था, अभी तक होता है कि अगर कोई travel कर रहा होता है, they will call me, they will ask me, अच्छा ये ticket के discount में मिलेगा, ये कितना price होगा इसका. So पहली बात तो ये कि मैं टिकटिंग काउंटर पे कभी मैंने काम नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं है कि डिस्काउंट कैसे मिलता है, क्या मिलता है. I was a cabin crew. तो इफ यू आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कि फ्लाइट में कैसी चीजें होती है, तो मैं वो बता सकती हूँ. मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कितने की कितना आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज आई डोंट नो, यू नो. सो दैट इज देयर, तो स्टॉप आस्किंग कैबिन क्रू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज दे डोंट नो, दे ऑनेस्टली डोंट नो. यू नो अ लॉट ऑफ योर रिलेटिव्स विल थिंक कि ओके अब तो ये कैबिन क्रू है या अब तो ये एयरलाइन स्टाफ है, तो इसको फ्री टिकट्स मिलता होगा, बट इसका मन नहीं है देने का, तो इसलिए नहीं देते. हमें नहीं मिलता, इट इज ओनली फॉर द ब्लड रिलेटिव्स, दैट टू आई टोल्ड यू the scenario, okay, it is sometimes it's not even for your own siblings. So yeah, so don't think ki they don't want to help you. Another thing which is there, that buddy tickets, okay, there is a thing called buddy tickets. Ye matlab ab I don't think so there are any airline jo ki buddy tickets
फैसिलिटीज दे रही है। सो पर्डी टिकट्स बेसिकली वो होता है कि जो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होते, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, सो इन लोगों को आप ये बर्थडे टिकट्स दे सकते हो। ओके, सो दैट यू गेट ये 5 बर्थडे टिकट्स या 10 बर्थडे टिकट्स या 4, डिपेंड करता है कि आपको बर्थडे टिकट्स मिलते हैं, एंड देन यू कैन गिव देम। एंड उसमें भी ये नहीं होता कि 100% फ्री होता है, इट्स लाइक 75% डिस्काउंट यू गेट और 30% डिस्काउंट यू गेट, डिपेंड करता है यू नो। तो अलग अलग क्लॉज होते हैं, बट आजकल कोई भी एयरलाइन, इनफैक्ट जब मैंने भी जब ज्वाइन किया था, मेरी एयरलाइन में नहीं था, देर वॉज नथिंग कॉल्ड बर्थडे टिकट्स, लाइक नन ऑफ द एयरलाइंस जहाँ पे ये फैसिलिटी थी कि जहाँ पे बर्थडे टिकट्स। तो आई थिंक वो बर्थडे टिकट्स की वजह से लोगों को लगता है कि यू नो वी कैन हेल्प देम, बट देर इज नो मोर दिस थिंग एग्जिस्ट कॉल बर्थडे टिकट्स। कोई एयरलाइंस होंगी मे बी शायद इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में तो आई डोंट थिंक सो किसी भी एयरलाइन में अब ये बर्थडे टिकट्स ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल्सो जो वहाँ पे हम टिकट बुक करते हैं फॉर द एयरलाइन स्टाफ, वो जो पोर्टल होता है इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट पोर्टल। इट इज़ नॉट लाइक यू नो यू नॉर्मली जैसे आप टिकट बुक करते हो एज ए नॉर्मल पैसेंजर, सो यू जस्ट गो ऑनलाइन साइट पे जाते हो करते हो, नहीं इट इज़ नॉट लाइक दैट फॉर अस, इट्स अ डिफरेंट पोर्टल ऑल टुगेदर। ठीक है, सो हम वहाँ जाके, सो ऑलरेडी जो हमारी डिटेल्स होती है, हमारे पेरेंट्स का नाम या जिस चीज़ को भी हम नॉमिनेट कर रखा है फॉर द STA, हमारे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड सिलेक्ट ऑल दैट एंड इट्स डन। ऑल्सो इफ यू गाइज आर वंडरिंग की वॉट अबाउट माई मनी, एज ए लाइक इफ आई पे द अमाउंट, जो भी टैक्स वगैरह जितना भी मैं अमाउंट पे करती हूँ उसके बाद लेट्स से मैं ऑफलोड हो जाऊँ तो फिर उन पैसों का क्या होगा? सो नॉट टू वरी, दैट अमाउंट इज रिफंडेबल, आपको रिफंड हो जाएगा। सो या आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ यू डू मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन so that you will be notified next time I upload a video. Also follow me on my Instagram. Please follow me on my Instagram. Also stop telling, asking people जो एयरलाइन में काम करते हैं कि डिस्काउंट टिकट दिखा दो या सस्ती टिकट कैसे मिल सकती है, ये कैसे मिल सकता है, वो कैसे मिल सकता है, they have no clue about that. So yeah, maybe the ticketing staff, उनको पता होगा, but other people like ill है. So yeah, so please make sure you keep that in mind. And yeah, I shall see you in my next one. Take care.